नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ब्रह्मांड की सभी देवी देवता ने दे दिया है भारी संकेत। अब आप सभी की जीवन काल में आने वाले 10 दिनों के अंदर वो घटनाएं होंगी जिन्हें कोई रोक नहीं सकते। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय रहते अब यह बात को समझ आइए कि आखिर देवी देवताओं का क्या संकेत आप सभी के जीवन काल पर मिल रहे हैं। आखिर यह भगवान यह देवी देवता आपको आने वाले 10 दिनों के अंदर कौन कौन से चीज देने वाले हैं, कौन कौन सी कामयाबी देने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी शुभ समाचार आपको देने वाले हैं। जी दोस्तों, अगर आप समय रहते इन्हें समझ लेंगे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल पूरी तरह बदल जाएगा। जी दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर दें कि किसी को भी मेरे राम उदास न रखना, सब को तू अपने चरणों के पास रखना, गम ना आए किसी के पास ए मेरे मालिक, नजर एक करम तू सबके खास रखना। जय दोस्तों, हम ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन काल में हमेशा खुशियों की बारिश हो। दोस्तों आपको बता दें कि यश में ग्रहों की स्थिति बहुत ही सामान्य है, लेकिन दोस्तों इनमें ग्रहों का जो संकेत है, ग्रहों का जो इशारा है, आप सभी के जीवन काल में ईश्वर की देवी शक्तियां मिलने वाले हैं। क्यों दोस्तों, आप लोग जो होते हैं ईश्वर के ऊपर बहुत ही ज्यादा यकीन रखते हैं। साफ दिल के आप इंसान हैं, कभी भी किसी का छल कपट के बारे में नहीं सोचते हैं। यही कारण है कि दोस्तों ईश्वर भी आपके ऊपर आकर्षित होते हैं और दोस्तों आपको अनेकों प्रकार के संकेत देते हैं। जी दोस्तों, बातों को जरा गौर से सुनिएगा कि आपके पिछले समय के अच्छे कर्म ही हैं जो कि आपको ईश्वर को जोड़ता है और ईश्वर भी आपको अच्छे संकेत देते हैं। अगर आप इन पर गौर करेंगे तो दोस्तों आपका जीवन अवश्य ही बदलेगा, परंतु अब आपकी जरूरत होती है किन संकेतों को समझने की। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले 10 दिनों के अंदर ईश्वर का क्या संकेत आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें आपको यश में लाभकारी साबित होंगे, कौन कौन से कार्यों को लेकर आपको सावधान भी रहना होगा, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे पवित्र मन से जय श्री राम लिखकर भगवान श्री राम का स्मरण कर लें। दोस्तों श्री राम जी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अमूल्य ज्ञान से जो कि दोस्तों आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको अपने जीवन काल में सिर्फ प्रयोग करने हैं और दोस्तों 10 दिनों के बाद आपके मानसिक पर जो परिवर्तन होंगे दोस्तों यकीन मानिए आपका पूरा जीवन बदल देगा। तो दोस्तों बातों को जरा गौर से सुनिएगा कि दोस्तों आप हर रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करें, यही गुहार लगाएं ईश्वर को। जय दोस्तों कि हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया है और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वो आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है और जो कुछ देकर ले लिया है वो हमारा इम्तिहान है। जी दोस्तों, हर रोज आप ईश्वर से इन बातों को गुहार लगाएं। दोस्तों यकीन मानिए आने वाले 10 दिनों के बाद जो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। जो दोस्तों बातें सच्ची लगी हो, समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवता ने क्या संकेत आपके लिए दिए हैं और आने वाली 10 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है, आप कभी भी किसी के बारे में छल कपट ना ही विश्वासघात के बारे में सोचते हैं। हमेशा अपने कार्यों में पूरी मेहनत के साथ डटे रहते हैं, हमेशा आप अपने मेहनत पर यकीन रखते हैं। आप चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में हम मेहनत करें उनमें हमें सफलता की अवश्य प्राप्ति होगी। जय दोस्तों, और यह बात बहुत ही ज़्यादा सटीक है आप सभी के लिए कि आप मेहनत के दम पर हर वो चीज़ हासिल कर लेते हैं जो आपके जीवन काल में आपको चाहिए। जी दोस्तों, और यही चीज आपको ईश्वर से भी जोड़ता है और आने वाले 10 दिनों के अंदर ईश्वर का बहुत ही प्यारा संकेत आपको मिलने वाले हैं कि आपका जीवन किस प्रकार बदलने वाले हैं। दोस्तों आपको बताते हैं कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको कौन सी ईश्वर की देवी शक्तियां मिलेंगी, कौन सी संकेत मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप जब भी सुबह उठे तो दोस्तों सूर्य को देखें। दोस्तों अगर आपको सूर्य को देखने के बाद अपने आंखों में चमकता हुआ तारा दिख जाए तो दोस्तों यह बातों पर आप बहुत ही ज्यादा गौर करिएगा
कि दोस्तों आपका नसीब चमकने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रतिदिन आने वाले 10 दिनों में आप इन बातों पर बहुत ही ज्यादा गौर करें। जी दोस्तों, अगर आपको काला काला कुछ दिखाई दे तो दोस्तों इनमें आपको कुछ करना है कि ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करना है ईश्वर से। और दोस्तों, आने वाले 10 दिनों में आपकी सभी बुराइयां खत्म होगी और आपके जीवन काल में बहुत ही खुशियों की प्राप्ति होगी। जो भी दैत्य दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, इन संकेतों को आप जरूर ही प्रयोग करिएगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 10 दिनों के अंदर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, यह समय नई योजनाएं बनाने तथा नए उपक्रम करने के लिए जो समय होंगे अनुकूल समय होगा। इसके साथ ही दोस्तों, यश में आपको अपने मेहनत के व फिर प्रयास के सार्थक परिणाम भी हाजिर होने वाले हैं। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी यश में आपकी विशेष पहचान बनेगी। किसी मूल्यवान उपहार की प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। तो दोस्तों, यश समय का सदुपयोग करें और सभी समयों का जो उचित लाभ उठाएं। इसके साथ ही दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बता दें तो दोस्तों, यश में दूसरों की बातों में ना आए। दोस्तों, आपका कोई नजदीकी मित्र ही आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, इस मित्रों का आपको यश में छानबीन करना चाहिए। भाइयों के साथ यश में संबंध मधुर बनाकर रखें। धर्म के नाम पर आपसे कोई पैसा भी तड़प सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें, अभी तक की हुई मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जो बातें आपके लिए सही है उन्हीं बातों पर टिके रहना आपके लिए इसमें संभव होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो आपका प्रयत्न है आपके द्वारा जारी रहेंगे, फिर भी दूसरों द्वारा सहयोग प्राप्त न होने की वजह से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यश में आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, खुद पर संयम होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश में चल रही किसी पारिवारिक चिंता का समाधान भी यश में मिलेगा तथा आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य कार्यों के प्रति भी ध्यान लगा पाएंगे। दोस्तों, घर में मेहमानों की आवाज आ रहेगी। युवा वर्गों को विभागीय परीक्षा व फिर नौकरी आदि से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते समय मर्यादा का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जरा सी लापरवाही आपसे आपकी मान सम्मान में कमी ला सकती है, तो इन पर ध्यान दें। समान विचारधारा तथा सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें, इससे आपकी मन स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आते रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने सीमित विचारों के दायरे को बढ़ाना आपके लिए इसमें संभव हो सकता है। मित्रों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने की वजह से जीवन में किस समस्या पर पहले काम करना है यह बात भी आपको पता चलेगी। भले ही अभी परिवार से नाराजगी बन रही हो, लेकिन दोस्तों, मित्र परिवार द्वारा आपको पूरा सहयोग भी इसमें प्राप्त होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल चल रहा है। घर में धार्मिक आयोजन की संबंधी कोई कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी। दोस्तों, यश में मेहनत और लगन के कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, बेहतरीन सफलता आपका इंतजार कर रही है और यह सफलता आपको इसमें मिलने वाली है। आपको बता दें कि विद्यार्थी का भी अपने अध्ययन के प्रति आकर्षित होना उन्हें सफल करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, यश में अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों, यश में उस पर कार्रवाई ना करें, क्योंकि दोस्तों, ये जो समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले यश में पूरी तरह योजना का जो है रूपरेखा बना लें, ये आपके लिए जरूरी होगा। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। आपकी सेवा का भावना जो है उन्हें प्रसन्न रखेगी, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों, यश में आपके लिए सुनूंगी। आपको बता दें कि अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चल सकता है, जिसकी वजह से कुछ चिंता भी होना स्वाभाविक है, परंतु परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। यह समय मित्रों के साथ मेल जोल में आपका समय भी व्यर्थ होगा, इसलिए दोस्तों, यश में इनसे दूरी बनाकर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए सुनूंगी। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में खर्चे बढ़ने की वजह से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन पैसे से संबंधित सभी काम आपके वक्त से पहले पूरे भी होंगे। निर्णय लेते समय सतर्कता बरतने की आपको यश में आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में
अगर आपकी व्यवसाय यानी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ फालतू खर्चे भी बढ़ सकते हैं, परंतु उधार संबंधी कार्यों में इनसे दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अगर आप यश में उधार लेने की कोशिश भी करेंगे तो अपनी क्षमता के अनुसार ही लें, क्योंकि दोस्तों यश में आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके जीवन साथी की, तो दोस्तों यश में जीवन साथी तथा घर परिवार का पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र के मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें भी यश में ताजी होने वाली हैं। और इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में कभी कभी तनाव डिप्रेशन महसूस हो सकता है। मेडिटेशन करें और किसी आध्यात्मिक स्थल पर भी समय को व्यतीत करना आपके लिए इसमें उचित रहेगा।